चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी कक्षा 7वीं की, हमारा पर्यावरण के नाम से जो बुक्स है आपकी, उसी को देख रहे हैं हम लोग। तो इसमें अभी तक हम लोग 3 चैप्टर आपके खत्म कर चुके हैं। ये आपका फोर्थ चैप्टर है, यानी कि 4 चैप्टर वायु। हमारे पृथ्वी, हमारी जो पृथ्वी है, चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे हम लोग वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर हैं। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है, और एवं सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा भी करता है। यदि सुरक्षा की यह चादर ना हो, तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप होकर जल सकते हैं, एवं रात के समय ठंड से जम सकते हैं। अतः यह वह वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया, एक संतुलन बना के रखा हुआ है। वायुमंडल के संगठन, क्या आप जानते हैं कि जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं, वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण होता है। नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का एक बड़ा भाग बना है। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन और हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती है। इन गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं। इस तरह से जो चित्र 4.1 है, में वृत्ताकार दिया गया है, जिसमें वायु के विभिन्न संगठनों के 50% दर्शाए गए। इसमें आपके नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड है जो CO2 0.03%, ऑर्गन है जो आर्गन 0.93%, और अन्य सभी जो बाकी बचते हैं 0.04%। नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाती है। याद रखना, नाइट्रोजन जो गैस है आपकी, वायु में सर्वाधिक पाई जाती है। जब हम सांस लेते हैं, तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले लेते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं। परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, जिस तरह से हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, उसी तरह से पौधों के लिए आपकी नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। वे पौधे जो सीधे से नाइट्रोजन नहीं ले सकते, मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधे इनका प्रयोग कर सकें। ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं, तो यह बिल्कुल संतुलन बिगड़ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। किसे? कार्बन डाइऑक्साइड को, CO2 को। और इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव होता है। किंतु जब कारखाना और कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है, तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता जाता है। इसे भूमंडलीय तापन या हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलती है, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे एवं पशु लुप्त हो सकते हैं। जब वायु गर्म होती है, तो फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है। ठंडी वायु सघन और भारी होती है, इसलिए इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों में ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहां आ जाती है। इस प्रकार आपका वायु चक्र चलता रहता है। यहां देखिए, जब तक हम लोग प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करते,
तब तक वो हमारे लिए अच्छी बनी रहती है, उपयोगी सिद्ध होती है। लेकिन जैसे ही हम किसी भी कारण से उसे हानि पहुंचाते हैं या उसके आगे समस्या खड़ी करते हैं, वो हमारे लिए भी समस्या बन जाती है। जैसे हम पेड़ काटते हैं तो संतुलन बिगड़ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड एक महत्वपूर्ण गैस है। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, ऑक्सीजन को वापस करते हैं। जो हमारे पेड़ हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं अपना भोजन बनाने के लिए। जिस तरह हम लोग ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं, उसी तरह वो CO2 का प्रयोग करते हैं, और वापस में हमें बदले में देते हैं O2। ठीक है, क्या देते हैं? O2। और जब पेड़ कटेंगे तो उनका भोजन पर प्रभाव पड़ेगा, तो ऑटोमेटिक है कि हमारे भी भोजन पर प्रभाव पड़ेगा। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्यों तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है, जिससे यह संतुलन बना रहता है। परंतु यह संतुलन कोयला तथा खनिज तेल वाले तेल आदि ईंधनों के जलाने से गड़बड़ाता जाता है। वे वायुमंडल में प्रति वर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है। वायुमंडल की संरचना, ये उसी तरह मान लीजिए जब किसी मधुमक्खी के छाते में हम लोग जब तक उन्हें प्रॉब्लम खड़ी नहीं करते उनके सामने, वो हमें भी समस्या नहीं खड़ी करती हमारे सामने। जब हम उन्हें छेड़ते हैं तभी वो हम लोगों को परेशान करती हैं। इसी तरह प्रकृति है हमारी, ये हम अगर उससे हानि नहीं पहुंचाएंगे, उसके सामने समस्याएं खड़ी नहीं करेंगे, तो हमारे लिए नॉर्मल सी है। और फिर आप लोगों ने गांधी जी का वो वक्तव्य सुना है कि प्रकृति हर किसी का भरण पोषण कर सकती है और सक्षम है करने में, लेकिन जब कोई कई लोग लालची लोग पैदा हो जाते हैं तो वो इसे हानि पहुंचाते हैं, उसी का परिणाम होता है। ठीक है, अब यही जो मौसम का कोई अनुमान ही नहीं रह गया है, कभी ठंड बढ़ जाती है, कभी 2 महीने के लिए ठंड पड़ती है, फिर गर्मी, ये संतुलन बिगड़ चुका है। ये हमारी ही करनी का फल है, जो हम कर रहे हैं उसी का फल मिल रहा है। आगे बात करते हैं वायुमंडल की संरचना। हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है। ये है ध्रुव मंडल, फिर आपका समताप मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल, बाह्य वायुमंडल और बहिर्मंडल। देख लीजिए, ये आपकी झोप मंडल हो गया, माउंट एवरेस्ट है। आपको बताना है माउंट एवरेस्ट कहाँ है, किस देश में। झोप सीमा हो गया, ओजोन, समताप मंडल, यही आपके हवाई जहाज हो गए उड़ते हैं। समताप सीमा हो गई, मध्य मंडल, ये आपका मध्य सीमा हो गई, फिर वायुमंडल, फिर बहिर्मंडल। बात करते हैं झोप मंडल की। यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु से सांस लेते हैं। मौसम की सभी लगभग जो घटनाएं हैं, जैसे वर्षा, कोहरा, ओला वर्षण, इसी परत के अंदर होता है। याद रखना, मौसम की जो भी घटनाएं घटित होती हैं वो आपकी जो मंडल के अंदर ही घटित होती हैं। फिर आता है आपका समताप मंडल। जो मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। यह परत बादलों और मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होता है, यानी कि मौसम संबंधी घटनाएं यहाँ मौजूद नहीं होती। बादल और मौसम संबंधी घटनाएं यहाँ पूरी तरह से खत्म होती हैं। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन ओजोन गैस की परत होती है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से जो गैसें हैं उनसे हमारी रक्षा करती है। तो याद रखना, जो आपका जो मंडल है इसमें आपकी मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती हैं, और जो समताप मंडल है इसमें आपका मौसमी घटनाएं अनुपस्थित रहती हैं, लेकिन आपकी ओजोन जो गैस है इसकी परत यहाँ होती है, और जो भी आपके वायुयान उड़ान भरते हैं उड़ते हैं,
इसी समता मंडल में उड़ते। फिर आता है आपका मध्य मंडल, यह वायुमंडल की तीसरी परत है या समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाली उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। फिर आती है आपकी बाह्य परत। बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग किया जाता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती है। याद रखना, एक वायुमंडल में रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग किया जाता है। फिर आपका बहिर्मंडल। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायु की पतली परत होती है। हल्की गैसें जैसे हीलियम और हाइड्रोजन यहाँ यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती है। ठीक है, बात करते हैं मौसम और जलवायु। क्या आज वर्षा होगी? क्या आज दिन साफ होगा और धूप निकलेगी? कितनी ही बार हमने क्रिकेट प्रेमियों के मुंह से एक दिवसीय मैच के भविष्य पर अनुमान लगाते सुना होगा। यदि हम कल्पना करें कि हमारा शरीर एक रेडियो है और मस्तिष्क उसके स्पीकर, तो मौसम वह है जो इसके नियंत्रण बटनों से छेड़छाड़ करता रहता है। मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। आर्द्र एवं गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। अच्छा हवादार मौसम हमें आनंद देता है और हमें घूमने की योजना भी बना सकते हैं। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता है, किंतु दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। क्या आप समझ गए कि हम मौसम का दैनिक पूर्वानुमान क्यों करते हैं? यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा के 2 अरबवें विपरीत का एक भाग प्राप्त करती है। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि पृथ्वी, जो हमारी पृथ्वी है, सूर्य की ऊर्जा, सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसका 2 अरबवां भाग ही हमें प्राप्त होता है। सोचिए, 2 अरबवां, ठीक है? अगर इसमें से अगर 10% भी धरती पर आ जाए तो हम जलकर खाक हो जाएंगे। बात करते हैं तापमान। आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम स्वरूप परिणाम को हम लोग ताप कहते हैं। वायुमंडल का ताप केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता, बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता रहता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज्यादा गर्म होती है। तापमापी हो गया है, तापमान मापता है। वायुदाबमापी वायु मापता है। वर्षा मापी वर्षा की मात्रा मापता है। वात दिग्दर्शी पवन की दिशा दर्शाता है। आपतन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आपतन कहलाती है। आपतन सूर्यातप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। क्या आप समझ गए होंगे कि ध्रुव बर्फों से क्यों ढके हुए? यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो यह इतनी गर्म हो जाएगी कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकेंगी। गांव की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है। दिन के समय ऐसा फेल्ट से बनी सड़कें एवं धातु और कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं। रात के समय यह ऊष्मा मुक्त हो जाती है। नगर के भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं, जिससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है। तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है। तापमान को मापने की जो मानक इकाई है उसे डिग्री सेल्सियस। इसका आविष्कार एंडर्स सेल्सियस ने किया था। उन्हीं के नाम पर इसे सेल्सियस दे दिया गया। सेल्सियस पैमाने पर जल 0 सेल्सियस पर जमता है और 100 सेल्सियस पर उबलता है। ठीक। पर बात करते हैं वायु दाब। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है।
किंतु हम उस इसका अनुभव नहीं करते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारे शरीर विपरीत बल लगाता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के द्वारा के भार द्वारा लगाया गया दाब वायुदाब कहलाता है। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने वाले पर दाब तेजी से गिरने लगता है। समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। वायु दाब का क्षेत्र वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। यह निम्न दाब क्षेत्र बनता है। यहाँ जब वायु आपकी गर्म होकर ऊपर उठेगी तो यह निम्न दाब क्षेत्र बनता है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है। इसके फलस्वरूप यह भारी होकर बैठती है नीचे। भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। क्या आप जानते हैं कि चांद पर वायु नहीं है, अतएव वहां वायु दाब भी नहीं है। अंतरिक्ष यात्री जब चांद पर जाते हैं तो विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरी हुई अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं। यदि वे अंतरिक्ष पोशाक को ना पहने तो अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर द्वारा विपरीत बल लगाने के कारण उनकी रक्त सिराए फट सकती है, जिससे अंतरिक्ष यात्री रक्त स्रावित हो सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग पवन। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर जो वायु की गति होती है उसे हम लोग पवन कहते हैं। आप पवन को काम करते देख सकते हैं जब यह सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ाते अथवा तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देते हैं। कभी कभी जब पवन धीरे बहती है तो आप इसे महीन धूल या धुएं को उड़ाते देख सकते हैं। कभी कभी पवन इतनी तेज होती है कि इसके विपरीत दिशा में चलना कठिन हो जाता है। आपने अवश्य अनुभव किया होगा कि तेज पवन में छाता लेकर चलना आसान नहीं होता। तीन अन्य उदाहरण सोचिए। आप तेज पवन के कारण आपके लिए समस्या उत्पन्न होती है। पवन को मुख्यतः तीन प्रकार में विभाजित किया जा सकता है। जिस तरह आप लोग गाड़ी चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, तब भी आप लोग अच्छे से नहीं चला सकते हैं। क्योंकि पवन, इसे हम लोग एक तरह से तूफान ही कहते हैं। आंधी, ग्रामीण भाषा में जब क्या बोलते हैं, आंधी, जिसके कारण आप लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं, उसके विपरीत दिशा में नहीं जा पाते। पवन पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित है। उदाहरण के लिए पश्चिम से आने वाली पवन को पश्चिमी पछुआ पवन कहते हैं। अब बात करते हैं स्थानीय पवन। व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवने स्थायी पवने हैं। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती है। पर्याप्त की मौसमी पवने, ये पवने विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती है। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवने स्थानीय पवने करें। ये पवने छोटे से छोटे क्षेत्र में वर्ष भर या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समीप। क्या आपको भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन याद है? इसे हम लोग लू कहते हैं। अब देख लिए, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर ये चलती है पवन हमेशा। उच्च दाब देखिए चल रहा है, इनकी दिशा ये है। ध्रुवीय पूर्वी पवन है ये आपकी। फिर है अध्रुवीय पवन का निम्न दाब क्षेत्र है, तो यहाँ से उपोष्ण उच्च दाब हौस अक्षांश है, तब ये इस तरह चलती सनातन पछुआ पवन। फिर आपका यहाँ निम्न दाब क्षेत्र भूमध्य रेखीय डोल्डरम पर, तो ये आपकी दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन होगी। ये आपकी मकर रेखा है, ये आपकी कर्क रेखा है, इसी तरह इसमें भी ठीक है। ध्रुवीय पूर्वी पवन आपकी अधो ध्रुवीय निम्न दाब की ओर चल रही है, क्योंकि निम्न दाब है इस तरह।
पर्याप्त कीजिए। उपोष्ण उच्च दाब सनातन जो पछुआ पवन है, ये आपकी निम्न दाब की ओर चल रही है। उत्तर व्यापारिक पवन हो गई, इनका आपका उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर दिशा में चल रही है। ठीक है, अब बात करते हैं ये आप ये सब आपकी वायु दाब पेटियां हो गई, 90 डिग्री दक्षिणी, 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 35 हो गया, 30, 23.5 ये मकर रेखा है, ऊपर करक रेखा, ये आपकी भूमध्य रेखा है 0 डिग्री। अब बात करते हैं चक्रवात प्राकृतिक आवेश। भारत के पूर्वी समुद्री तट पर स्थित उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवात का खतरा बना रहता है। 17-18 अक्टूबर 1999 को राज्य के 5 जिलों में चक्रवात आया। 29 अक्टूबर 1999 को एक अन्य महाचक्रवात आया जिसने राज्य के एक बड़े भाग में तबाही मचाई। मोक्ता पवन का वेग, वर्षा तथा ज्वारीय क्रोधकर्ष से हानियां हुई। 260 किलोमीटर प्रति घंटे तक की वेग वाली पवन 36 घंटे से भी ज्यादा समय तक चलती रही। तीव्र वेग वाली इस पवन ने पेड़ों को उखाड़ दिया, कच्चे घरों को नष्ट कर दिया, अनेक औद्योगिक भवनों तथा अन्य घरों की छतें भी उड़ गईं। विद्युत आपूर्ति एवं टेलीफोन लाइनें पूरी तरह से कट गईं। चक्रवात के फलस्वरूप लगातार 3 दिनों तक भारी वर्षा होती रही। इस वर्षा के कारण उड़ीसा के प्रमुख नदियों में बाढ़ आ गई। चक्रवाती पवनों के कारण उठी ज्वारीय तरंगें स्थल पर 20 किलोमीटर मीटर तक आ गई और फलस्वरूप तटीय क्षेत्रों में भयानक तबाही हुई। अचानक 7 से 10 मीटर ऊंची ज्वारीय तरंगें आ गईं, जिसके कारण तैयार खड़ी धान की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई। यह आपका चक्रवात द्वारा किया गया विनाश। 25 अक्टूबर 1999 को पूर्वी फोर्ट विलियर निकट थाईलैंड की खाड़ी में अवदाब के कारण यह चक्रवात उत्पन्न हुआ और धीरे धीरे उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ा। गहन होकर इसने महाचक्रवात का रूप धारण कर लिया। 29 अक्टूबर को सुबह 10:30 पर उड़ीसा के इरेसामा एवं बालीकोड़ा के बीच के क्षेत्र में को प्रभावित किया। इस महाचक्रवात ने भुवनेश्वर, कटक और 28 तटीय नगरों सहित उड़ीसा के पूरे तट को बर्बाद कर दिया। इससे लगभग 130 लाख लोग प्रभावित हुए। बहुत बड़ी संख्या में पशुओं की मौत हो गई। धान, सब्जियों, फलों की खड़ी फसलों का भारी नुकसान हुआ। ज्वारीय प्रोत्कर्ष से उत्पन्न हुई लवणता के कारण कृषि योग्य विशाल भू क्षेत्र अनुपजाऊ हो गए। साल सागवान और बांस के बागान वाले विशाल भू क्षेत्र नष्ट हो गए। पारादीप एवं कोणार्क के बीच स्थित मैंग्रोव के जंगल लुप्त ही हो गए। गर्म वायु ऊपर उठती है और ठंडी होकर इस तरह से वर्षा करती है। ये चक्रवातीय वर्षा है। आर्द्रता, जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो वह जलवाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। जब वायु में जल वाष्पों की मात्रा अत्यधिक होती है तो उसे हम लोग आर्द्रता कहते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है और इस प्रकार यह और अधिक आर्द्र हो जाती है। आधे दिन में कपड़े सूखने में काफी समय लगता है एवं हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता और हम असहज महसूस करते हैं। जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है। जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंदें बनाता है। बादल इन्हीं जल बूंदों का ही एक समूह होता है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती है कि वायु में तैर ना सके तभी वर्षण के रूप में नीचे आ जाती है। यह आपकी पर्वतीय वर्षा, जब पर्वत आपके अवरोध के रूप में आर्द्रता के सामने खड़े होते हैं तो इस तरह वर्षा होती है। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफेद पर चिन्ह छोड़ते हैं। इनके इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है। वायु के गतिमान ना रहने की स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है।
पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। ज्यादातर भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं हमारी। जल पहाड़ों पासों से पेड़ काटे जाते हैं। वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है एवं निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है। क्रियाविधि आधार पर वर्षा के तीन प्रकार होते हैं, संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा, या फिर संघनीय संवहनीय वर्षा है। पौधे तथा जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इससे धरातल को ताजा जल प्राप्त होता है। यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी तथा सूखा हो जाता है। इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक होती है तो बाढ़ आ जाती है। वर्षण के दूसरे रूप हिम सही वृष्टि तथा ओला भी है। तो ये था आपका चौथा चैप्टर, ठीक है, इसमें हम लोगों ने बात की वायु के सभी पक्षों को। ये आपके अभ्यास के लिए कुछ क्वेश्चन दिए गए और उनके आंसर आपको देना है, ठीक है, तो लगा लेना। और पीडीएफ आपकी टेलीग्राम पर डली हुई है, ठीक है, वहां से देख लेना। याद रखिए अगर आपसे क्वेश्चंस बन जाते हैं तो आप लोगों ने मन से पढ़ा है इस चैप्टर को, अगर नहीं बन रहे कोई क्वेश्चन तो एक दो बार और पढ़िए, आराम से हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही सरल शब्दों में लिखिए। तो अगला चैप्टर होगा हमारा जल।